नमस्कार। कल की वीडियो में हमने कहा था कि अमेरिका की सेना हो चाहे अमेरिका का डॉलर हो, वो नेपाल का कुछ भी नहीं कर सकता है। कल हमने सैन्य विकल्प के बारे में बात की थी। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आज बात करेंगे कि क्या नेपाल के ऊपर अमेरिका डॉलर वाली कार्रवाई करेगा तो नेपाल का कितना नुकसान होगा। ये आपके विश्लेषक कहते हैं कि नेपाल का बहुत भारी नुकसान होगा यदि, और मैं कहता हूं कि अमेरिका चाहे अपनी सेना को लगाए और चाहे अपने डॉलर से नेपाल पे कार्रवाई करे तो भी नेपाल का कुछ नहीं होने वाला। कल हमने सैन्य विकल्प पर बात की थी, ठीक है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज बात करेंगे डॉलर वाले विकल्प पे, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने जिन जिन देशों पे लगाए उन देशों की हालत क्या हो गई कि 1 महीने काम करो तो भी खाने भर का पैसा नहीं हो पाता है। जैसे वेनेजुएला है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है कि अमेरिका ने कितने देश तबाह किए डॉलर से। तो अब नेपाली इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि अगर डॉलर की कार्रवाई अमेरिका नेपाल के ऊपर करता है तो हमारे भी हाल वही हो जाएंगे कि हमको भी 10,000 रुपए का एक मोबाइल 5 लाख में खरीदना पड़ेगा, और एक चावल के बोरे की कीमत नेपाल में 50,000 हो जाएगी। इस टाइप के विश्लेषण करते हैं आपके विश्लेषक लोग और आपके इकोनॉमिस्ट लोग। आपके विश्लेषक कहते हैं कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है नेपाल के ऊपर यदि एमसीसी पास नहीं हुई तो, और आपके इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमें एक चावल का बोरा 50,000 रुपए में खरीदना पड़ेगा और 10,000 रुपए वाला मोबाइल 5 लाख में खरीदना पड़ेगा यदि डॉलर की कार्रवाई नेपाल के ऊपर हुई तो। और दोस्तों, ये बात सही है कि दुनिया में अमेरिका ने जहां जहां डॉलर पे प्रतिबंध लगाया या किसी देश की इकोनॉमी पे प्रतिबंध लगाया तो उस देश के हाल खराब हुए, ठीक है। वेनेजुएला के हाल भी वही है, ईरान के हाल आपने देख ही लिए कि क्या हो गया। 42,000 ईरानी जो पैसा है उसको देना पड़ता है 1 डॉलर के लिए। ये घटता बढ़ता है, रेट 90,000 तक पहुंचा था, यानी उन देशों के पास डॉलर ही नहीं है। अब 1 डॉलर लेने के लिए उनको लाखों रुपए देना पड़ रहा है। तो क्या नेपाल के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पे अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाए लेकिन पाकिस्तान का रुपया 180 पार कर गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाए हल्के फुल्के तो पाकिस्तान की कंडीशन खराब हो गई, ठीक। तो अब बांग्लादेश के ऊपर भी अमेरिका नाराज हो गया क्योंकि उसने हिंदुओं के ऊपर कुछ गलत किया, अभी हिंदुओं के साथ में हुआ था, तो भारत ने एक्शन नहीं लिया बल्कि अमेरिका ने एक्शन लिया। श्रीलंका के ऊपर भी अमेरिका नाराज है, इसलिए श्रीलंका की दुर्दशा आप देख सकते हैं। खाद्यान्न संकट लग गया था श्रीलंका में, ठीक है। पाकिस्तान 3 अरब डॉलर मांगता फिर रहा है पूरी दुनिया में, ठीक। और श्रीलंका का भी वही हाल है। अब चीन का कर्जा निपटने के लिए श्रीलंका भारत से मदद मांग रहा है, भारत ने कहा कि हाँ हम करेंगे। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका ने जिन देशों पे थोड़ा सा भी प्रतिबंध लगा दिए उन देशों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। तो अब नेपाली इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हमारी भी स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नेपाली इकोनॉमिस्ट पहले विश्व की राजनीति को समझे और तब उनको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। न तो अमेरिकी सेना नेपाल पे कार्रवाई कर पाएगी और ना अमेरिकी डॉलर नेपाल पे कार्रवाई कर पाएगा। देखिए, अमेरिका के पास में डॉलर की पावर है, ठीक है। पूरी दुनिया में डॉलर चलता है और विदेशी व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। यानी कहें तो हर देश को डॉलर की आवश्यकता है, बिना डॉलर के कोई देश कुछ नहीं कर सकता है। उसका विदेशों से आयात निर्यात दोनों बंद हो जाएगा यदि डॉलर नहीं रहेगा तो। और अगर नेपाल पे भी प्रतिबंध लगता है, डॉलर का यूज नहीं कर पाता है नेपाल, तो क्या होगा? क्या नेपाल की स्थिति भी ऐसे हो जाएगी कि एक चावल का बोरा 50,000 रुपये का खरीदना पड़े नेपालियों को? क्या ऐसा होगा? तो इस बारे में पूरा डिटेल जान लीजिए। देखिए, भारत में वो हर सामान मिलता है जिसकी आवश्यकता नेपाल को है, ठीक है, और नेपाल में वो सामान नहीं मिलता है जिसकी आवश्यकता भारत में हो, और भारत में भी वो सामान नहीं मिलता है जिसकी आवश्यकता भारत को है। यानी भारत को डॉलर की सख्त जरूरत है।
नेपाल को डॉलर की आवश्यकता बहुत कम है। आप अपने होम मिनिस्ट्री की कुछ रिपोर्ट पढ़िए और अपने समाचार पत्र जो लिखित गोरखा पत्र आदि रहते हैं उनको पढ़िए इस 3-4 महीने का, तो आपको क्लियर लगेगा कि नेपाल का 57% व्यापार आयात निर्यात जो भी है वो भारत से ही है। ये दोस्तों लिखित है, ठीक है। और जो अनलीगल तरीके से नेपाल से भारत में सामान जाता है, भारत से नेपाल में सामान जाता है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक। यानी कह सकते हैं कि अनलीगल और लीगल दोनों हम मिला देते हैं तो 70% से ज्यादा भारत और नेपाल का व्यापार भारत के साथ में है। अब आप बोलेंगे 70% कैसे हो गया, आपकी जो वेबसाइट है वो केवल 56-57% ही दिखाती है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक चावल का बोरा एक नेपाली बॉर्डर का आदमी नेपाल में लेके जाता है तो उसको कोई नहीं रोकता है, क्योंकि पुलिस वाले भी तो समझते हैं कि घर के लिए ले जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखित नहीं होती है। बिहार में 87 लाख आदमियों को नेपाल की जो रक्सी है वो पीते हैं, वो सब अनलीगल तरीके से आती है। 87 लाख लोग लगभग एक आंकड़ा बना रखा है, ठीक है, जिन्होंने बनाया ये, हालांकि वो उससे ज्यादा होगा। आपको पता है कि नेपाल की जो रक्सी है वो सस्ती होती है और वो बिहार के किसी भी जिले में नेपाल की रक्सी मिल जाएगी, क्योंकि बिहार में वाइन जो है वो बैन हो रखी है और नेपाल की रक्सी थोड़ा सस्ती पड़ती है, ठीक है। जो यूपी से उनको रक्सी आती है उसका मतलब रक्सी नहीं, जो क्वार्टर आते हैं शराब के वो महंगे पड़ते हैं और नेपाल की रक्सी सस्ती पड़ती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं नेपाल की रक्सी खरीदते हैं, ठीक है, अनलीगल तरीके से। और बहुत सारे जो ये बिहार में क्या हुआ, अभी आपने समाचार पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग कच्ची शराब पीने से मर गए, ठीक है। तो वो कच्ची जो शराब थी वो लोकल वहीं के लोगों ने बनाई थी, क्योंकि बिहार में दारू बैन है, ठीक ना, तो वो लोगों ने गुपचुप तरीके से बनाई और पी लेते हैं और मर जाते हैं। नेपाल की रक्सी ने आज तक किसी को नहीं मारा बिहार में, इसलिए नेपाल की जो रक्सी है उसके ऊपर भरोसा है बिहारी लोगों को कि इसको कितना भी पी लेंगे हम मरेंगे नहीं। तो नेपाल से बहुत ज्यादा रक्सी जाती है इंडिया में, ठीक है। रक्सी ही नहीं और भी बहुत कुछ है, ठीक है, ये सब अनलीगल तरीके से है। तो कुल मिला जुला के देखेंगे कि नेपाल 70% से ज्यादा भारत पे डिपेंड है। नेपाल का व्यापार, नेपाल में जो कुछ भी आता है भारत से ही ना आता है, और नेपाल जो कुछ भी बेचता है उसका लगभग 60% भारत को ही बेचता है, ठीक है। तो यानी नेपाल की पूरी इकोनॉमी, पूरी तो नहीं कह सकते हैं, 60-70% इकोनॉमी भारत पे डिपेंड है। देखिए आप लिखित अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 5 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर का व्यापार समझ में आएगा कि भारत और नेपाल के बीच में है। आपको पता है कि जब हम 1,000 केजी माल नेपाल में ले जाने की कोशिश करते हैं, सही आपको मैं बात बता रहा हूं, तो उसमें केवल 300 किलो का ही भंसार होता है, 700 किलो ऐसे ही चले जाता है। तो सही से कहें तो कम से कम 8-9 बिलियन से कम व्यापार नहीं है भारत और नेपाल के बीच में, क्योंकि हर चीजें लिखित नहीं है, जितना लीगल तरीके से जाता है उतना ही अनलीगल तरीके से जाता है। तो बहुत ज्यादा व्यापार है, 8-9 बिलियन डॉलर का व्यापार है सालाना भारत और नेपाल के बीच में। तो जब नेपाल का इतना बड़ा व्यापार भारत के साथ में है तो नेपाल पे अमेरिकी डॉलर, कोई नेपाल के पास यदि डॉलर नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत और नेपाल का व्यापार जो है वो रुपया में होता है। आपकी मीडिया कहती है कि भारत में नेपाल का रुपया नहीं चलता है, ठीक है, आप ऐसा कीजिए अपनी मीडिया की मत सुनिए, लाखों करोड़ों रुपए लेकर आइए भारत में, जितने भी बॉर्डर साइड में भारत के जो बाजार है उत्तराखंड से लेके और सिक्किम तक, यूपी बिहार, लाखों करोड़ों रुपए लेके आइए और देखिए, अगर नहीं चलते हैं तो मैं आज से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। नेपाल का पूरा रुपया चलता है भारत के बॉर्डर के इलाकों में और नेपाली रुपये में ही कारोबार होता है। हजारों लोग बैठ रखे हैं जो नेपाली IC NC करते हैं, IC लेते हैं NC देते हैं, या NC लेते हैं IC देते हैं। आपकी मीडिया आपको बेवकूफ बनाती है, ठीक है। नेपाल का रुपया भारत के बॉर्डर साइड के इलाकों में खूब चलता है और नेपाल को जिन सामानों की जरूरत है वो सब बॉर्डर साइड में मिलते हैं और नेपाली रुपया देकर मिलते हैं, ऐसे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ रेट थोड़ा बढ़ जाता है, कैसे,
जैसे 1.60 है रेट, तो 1.2 भी हो, 1.62 भी हो जाता है और 1.67 तक कर चले जाता है कभी कभी जब कोई त्योहार आदि होता है उस समय, क्योंकि उस समय बाजारों में भारतीय रुपया कम पड़ जाता है और जब भारतीय रुपया कम पड़ता है तो नेपालियों को वो भारतीय रुपया लेने के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप यदि बैंक से कारोबार करते हैं, नेपाल का इन्वेस्ट बैंक, इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया दोस्तों, एवरेस्ट बैंक, एवरेस्ट बैंक में आप पैसा डालते हैं तो एटीएम से पंजाब नेशनल बैंक से निकाल सकते हैं, इंडिया में कोई पैसा चार्ज नहीं, हल्का फुल्का 1-2 पैसे लगभग चार्ज लगता है, 1000 रुपये, ठीक है। वहां आप एनसी डालेंगे नेपाली करेंसी, यहां आप आईसी निकाल लेते हैं, वैसे भी वो जरूरत नहीं है, आप कैश पैसा भी लेके आ सकते हैं भारत के बॉर्डर साइड के किसी भी बाजार में, और आपको जो सामान चाहिए वो सब नेपाली पैसे से खरीद सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि नेपाल का तो केवल 60-70% ही व्यापार है भारत के साथ में, अगर भारत में सारा सामान मिलता है तो नेपाल पूरा सामान भारत से ही क्यों नहीं खरीदता है, तो दोस्तों वो राजनीति है, ठीक है। नेपाल चाहता है कि भारत पर हम अपनी निर्भरता कम करें, इसलिए जो आवश्यक होता है वही सामान भारत से खरीदता है, बाकी इधर उधर देशों से खरीदता है, ठीक। लेकिन भारत में हर वो सामान मिलता है जो नेपाल को चाहिए, और नेपाल उस सामान को नेपाली रुपये से खरीद सकता है। तो आप खुद जानिए कि अगर नेपाल के डॉलर का प्रतिबंध लग जाता है कि डॉलर का यूज नहीं कर पाएगा नेपाल, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, ठीक है, कि डॉलर का यूज नहीं करेगा नेपाल, ठीक है, यानी नेपाल पे प्रतिबंध लगा दे अमेरिका, तो नेपाल का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि नेपाल जो सामान डॉलर से खरीदता है वही सामान नेपाल रुपये से खरीद सकता है और नेपाली रुपये से खरीद सकता है, और नेपाली रुपया भारत के बॉर्डर साइड के सभी बाजारों में चलता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत सरकार कह दे भारतीय व्यापारियों को कि तुम नेपाली रुपया मत लो, उतनी औकात नहीं है भारतीय सरकार की कि जो व्यापारियों को रोक दे, व्यापारी लोग हंगामा मचा देंगे। भारत के बिहार साइड, यूपी साइड, उत्तराखंड और सिक्किम साइड जितने भी बॉर्डर एरिया है, ये नेपाली रुपये के बाजार है, ठीक है, ये नेपाली रुपये से ही ये चलते हैं, और भारत सरकार रोक लगा देगी तो ये सारे बाजार बंद हो जाएंगे, और जिस राज्य में रोक लगेगी उस राज्य की जो सरकार है वो भी हिल जाएगी, तो नेपाली रुपया भारत में चलना बंद नहीं हो सकता है। और 13,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका की इतनी ताकत नहीं है कि भारत के बाजारों में जो नेपाली रुपया चल रहा है उसको बंद करवा दे, ठीक है, और न ही भारत सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि उससे नुकसान होगा भारत को भी। हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, ठीक है, जो लेखा जोखा रहता है ना वो सब नहीं बता रहे, जमीनी हकीकत क्या है उसको बता रहे। जमीनी हकीकत ये है कि नेपाल का रुपया भारत के बॉर्डर साइड के सभी बाजारों में चलता है, और नेपाल को जो भी सामान चाहिए वो सामान नेपाल नेपाली रुपये में भारत से खरीद सकता है, ऐसी नहीं भी होगा, इंडियन करेंसी नहीं भी होगा तो भी नेपाली रुपये से खरीद सकता है। तो नेपाल का डॉलर क्या बिगाड़ देगा बताओ तो आप, डॉलर नहीं रहेगा नेपाल के पास में तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जमीनी हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, और कुछ लोग कुछ बोल दें तो वो बात अलग है। हाँ, ये है कि नेपाल अपना विदेशी व्यापार भारत को छोड़ के दूसरे देशों में नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो दोस्तों नुकसान होगा हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन ईरान जैसी स्थिति हो जाए और एक बोरा चावल 50,000 का हो जाए, एक 10,000 का मोबाइल 10 लाख 20 लाख का हो जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि नेपाल की जो इकोनॉमी है वो भारत पर डिपेंड है। अब आप चाहे गाली दो, चाहे कुछ करो भारत को, और चाहे खूब गाली दो भारत को, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हकीकत यही है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो भारत पे ही निर्भर है। चीन ने केवल 3 महीने में 31 करोड़ रुपए का सामान खरीदा और भारत ने 65 अरब रुपए का सामान खरीदा नेपाल से 3 महीने में। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अमेरिका जैसे देशों ने नेपाल से 5 अरब का सामान खरीदा पिछले 3 महीने की मैं बात बता रहा हूं। ये समाचार आप अपने जो गोरखा पत्र आते हैं उनमें पढ़ सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे जो लिखित समाचार रहते हैं उनमें पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया की बात छोड़िए ना, सोशल मीडिया को व्यू पाने के लिए चीन की तारीफ करना है, भारत की बुराई करना है, बस
लेकिन कुछ सच्चे समाचार पत्र भी तो है नेपाल में जो सही चीजें बताते हैं, तो उनको पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि चीन ने 31 करोड़ का सामान खरीदा और भारत ने 65 अरब का। चीन के साथ नेपाल का जो व्यापार घाटा है वो 122 गुना ज्यादा है, और भारत ने नेपाल से जो सामान खरीदा वो 65 अरब का रहा, और नेपाल ने जो भारत से सामान खरीदा वो लगभग रहा 2 खरब 48 अरब रुपए का। मतलब कि भारत के साथ में नेपाल का व्यापार घाटा 4 गुने से ज्यादा नहीं है, चीन के साथ में 122 गुना व्यापार घाटा है नेपाल का। ये नेपाली मीडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नेपाल के साथ में भारत का जो व्यापार है वो रुपये में भी हो सकता है, और रुपये में ही ज्यादा होता है, लगभग 95% रुपये में ही होता है। कोई बड़ी कंपनियां हैं वो करती है डॉलर में व्यापार, ठीक है, बाकी सब रुपये में ही होता है, तो नेपाल को डॉलर की आवश्यकता ही नहीं है, तो अमेरिका क्या कर लेगा नेपाल का। तो ये सब बकवास है जो आपकी मीडिया कहती है, कि कभी बोलती है कि अमेरिकी सेना आ गई नेपाल में, ऐसे ऐसे दावे कर देती है कि चुपचाप घुस चुकी है। कभी कोई आपका विश्लेषक बोलता है अमेरिका हवाई हमला कर देगा नेपाल के ऊपर यदि MCC पास नहीं हुई, आपके विश्लेषक कहते हैं कि हमारे यहाँ भी वही हो जाएगा, एक बोरे की कीमत 50,000 रुपये हो जाएगी नेपाली, ठीक है। तो ये सब दावे जो हैं ये सब झूठ है, ये पता नहीं क्यों झूठ है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन सब झूठ है। कुछ नहीं होने वाला, न तो अमेरिकी सेना नेपाल में आ सकती है और ना अमेरिका का डॉलर नेपाल का कुछ बिगाड़ सकता है। अमेरिका डॉलर नेपाल डॉलर में व्यापार करेगा तब ना जाके होगा, नेपाल तो रुपये से सामान ज्यादा खरीदता है और वो रुपया भारत के बॉर्डर में चलता है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो एक चीज फाइनल जान लीजिए कि आपके विश्लेषक आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, ठीक है, न तो अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है और न ही करेगा, और कर भी लेगा तो भी आपका कुछ नहीं जाने वाला, धन्यवाद। ईरान सीरिया लीबिया जैसी स्थिति नहीं होगी, धन्यवाद।